are you? I hope you all are well. Okay, let's start today's topic. Today our topic is soil. It means today we will learn about soil. Students, we are living on earth. One question raised here, why we are living on earth? Why not on other planets? Students, we are living on earth due to presence of air, water, sunlight and soil. All these things support our life. So we are living on earth. ये सारी चीजें हमारी life को support करती हैं, इसलिए हम earth पर रह रहे हैं. Due to absence of these things on other planets, we are not living on them. Yes, so students, in this video we will discuss about what is soil. Ki soil hai kya? Soil is the topmost or uppermost layer of the earth. Soil kya hai? Hamare earth ki topmost or uppermost layer hai. Usi ko hum kya kehte hain? Soil kehte hain. Then next question is, what is soil made up of? Soil kinse banti hai? Soil is made up of gravel, sand, clay particles and humus. Soil kinse banti hai? Gravel, sand, clay particles and humus. इन सबके मिक्सचर से क्या बनती है? सोयल बनती है. इट मीन्स सोयल इज द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. इन सबके मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? सोयल. देन नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? जस्ट वी डिस्कस अबाउट सोयल इज मेड अप ऑफ gravel, sand, clay particles and humus. What is humus? Humus क्या है? Humus is the remains of dead plants and animals in the soil. Soil के अंदर dead plants और animals के remains को ही हम क्या कहते हैं? Humus कहते हैं. That is found in the soil, जो कि soil में मिलते हैं. Did you get? Once again, I am explaining what is humus. Humus is the remains of dead plants and animals found in the soil. Then next, why soil is important for us? Soil हमारे लिए important क्यों है? Just I explained you why we are living on earth. We are living on earth due to presence of air, water, sunlight and soil. These things support our life. So we are living on earth. So why soil is important? Why soil is important? Soil important kyun hai? Soil is essential for ग्रोथ ऑफ प्लांट. एक तो सोयल किसके लिए जरूरी है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एज प्लांट्स ग्रो ऑन सोयल, जैसे कि प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सोयल पर ही ग्रो करते हैं. सो इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. एज इट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं. Because plants are producers, they make their own food. Plants क्या है? All green plants are producers. सारे green plants क्या है? Producers हैं. वो स्वयं अपना खाना खुद बनाते हैं. So they support life on the earth. Most of living things get their food from plants. They provide us other many things also, like oxygen, shelter,
timber, gum. Many things are there, fruits, vegetables. Many things are there that are provided by plants to us, जो कि प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. सोइल इज होम टू मैनी एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, एंट, मॉल, स्नेक एंड रैबिट. दीज एनिमल्स लिव इन सोइल. सोइल प्रोवाइड देम शेल्टर टू लिव. सोइल इन सबको क्या करती है? शेल्टर देती है रहने के लिए. सो सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. देन नेक्स्ट, हाउ सोइल इज फॉर्म्ड. सोइल कैसे बनती है? हाउ सोइल इज फॉर्म्ड. सोइल इज फॉर्म्ड बाई अ प्रोसेस कोल्ड वेदरिंग. सोइल एक प्रोसेस से बनती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? वेदरिंग. वॉट इज वेदरिंग? वॉट इज वेदरिंग? बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाई द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वॉटर इन टू स्मॉलर पीसेस टिल अ पाउडर इज फॉर्म्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. बिग रॉक्स, छोटे रॉक्स में, और उनसे छोटे रॉक्स में क्या होते हैं? ब्रोक डाउन होते हैं बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर ऑन देम. उनके ऊपर विंड, वाटर और सन के एक्शन से वो बिग पीसेस से, बिग रॉक्स, रॉक्स के बिग पीसेस स्मॉलर पीसेस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग. इट मींस बिग पीसेस से, रॉक्स के बिग पीसेस से स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाना ही क्या है? वेदरिंग है. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज वेदरिंग. बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर इनटू स्मॉलर पीसेस टिल अ पाउडर इज फॉर्म्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. इट मींस बिग रॉक्स का बार बार छोटे पीसेस में टूट जाना जब तक कि वो पाउडर नहीं बन जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग. इट हैपन्स ड्यू टू एक्शन ऑफ सन, विंड एंड वाटर ऑन द पीसेस ऑफ रॉक्स. और ये कब होता है? किसकी वजह से होता है? सन, विंड और वाटर के, रॉक्स के पीसेस के ऊपर एक्शन की वजह से होता है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज सोइल प्रोफाइल? व्हाट इज सोइल प्रोफाइल? सोइल प्रोफाइल इज द लेयर्स ऑफ सोइल. व्हाट इज सोइल प्रोफाइल? सोइल प्रोफाइल इज द लेयर्स ऑफ सोइल. सोइल की लेयर्स को ही हम क्या कहते हैं? सोइल प्रोफाइल. इट हैज थ्री लेयर्स. इट हैज थ्री लेयर्स. दीज आर अपर मोस्ट लेयर, टॉप सोइल, मिडिल लेयर, सब सोइल एंड बॉटम लेयर, बेड रॉक. अपर मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल, देन मिडल सब सॉइल, देन बॉटम लेयर इज नोन एज बेड रॉक. बॉटम लेयर इज नोन एज बेड रॉक. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. इट कंटेन्स सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर एंड वॉटर. जो अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, इसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? टॉप सॉइल. एंड इट कंटेन्स सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर एंड वॉटर. सो इट इज नोन एज फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. ये सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है टॉप सॉइल, बिकॉज इट कंटेन्स क्ले, सैंड, ह्यूमस, एयर एंड वॉटर. दीज ऑल थिंग्स हेल्प टू प्लांट्स ग्रो वेल. ये सारी चीजें प्लांट्स को क्या करती हैं? ग्रो करने में हेल्प करती हैं. सो इट इज नोन एज फर्टाइल टॉप लेयर. फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. देन नेक्स्ट इज सब सॉइल. नेक्स्ट इज सब सॉइल.
It is middle layer of the soil. It is middle layer of the soil. It contains broken pieces of rocks and water and very little amount of humus. Very little amount of humus. इसमें क्या होते हैं? It contains big pieces of rocks than the topsoil. Than the topsoil. And it contains water and very less humus. Very less amount of humus. So it is not good for growth of plants. So it is not good for growth of plants as it contains very little amount of humus, and humus provides plants many nutrients to grow well. So it is not good for grow plants. Then at last, bottom layer is known as bedrock. Bottom layer is known as bedrock. The bottom layer is the bedrock. It is deep inside the earth and contains large pieces of rocks. ये सबसे last की layer है soil profile की, layers of the earth की, जो कि बड़ी बड़ी pieces से बनती है. इसमें rocks के pieces बहुत बड़े होते हैं. And it not contains much water and very less amount of humus. Otherwise we can say it do not contain humus. So it is not good for growth of plants. Plants can't grow in this layer. Once again I am explaining you, it contains large pieces of rock, not much water is present in this layer. And it contains very less amount of humus. Otherwise, we can say it don't contain humus. So it is not good for growth of a plant. Then next, soil erosion. Soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion kya hota hai? Topsoil is the most fertile layer. Topsoil is the most fertile layer. Is क्या है? Most fertile layer है. As it contains humus, जैसे कि इसमें humus मिलता है, और ये it provides nutrients to plant for their growth. उनकी growth के लिए plants को क्या करता है? Provide करवाता है nutrients. Strong wind and water and human activities can carry topsoil to new places. यदि तेज हवा चलती है या तेज water का flow होता है और other human activities like plowing again and again to land and grazing of animals on the field, these all activities can carry topsoil to new places. ये सारी इन activities से क्या हो सकता है? Soil जो कि uppermost layer है, that is very fertile, very good soil, that can carried away by the wind, water and other human activities to new places. This process of wearing off or carrying away of the topsoil by the action of wind or water is called a soil erosion. Topsoil ka wind, water or human activities se ki wajah se ek jagah se dusri jagah pe le jana hi kya kehlata hai? Soil erosion. Once again, I am explaining you what is soil erosion. Wearing off or carrying away topsoil by the wind, water and human activities is known as soil erosion. Is known as soil erosion. It
रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, और सोयल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो हमारे लैंड की फर्टिलिटी, सोयल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज अपर मोस्ट लेयर इज कैरिड अवे बाय विंड वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. अपर लेयर कंटेन्स एयर वाटर एंड ह्यूमस दैट इज कैरिड अवे बाय वाटर विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. देन रेस्ट ऑफ लिविंग सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. सो इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. सो वी शुड कंजर्व सॉइल. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, बिकॉज सॉइल इरोजन इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल इरोजन होना क्या नहीं है, ठीक नहीं है. सो व्हाट वी शुड फॉर दैट एंड व्हाट एक्टिविटीज हेल्प देम टू इरोड द सॉइल. रनिंग वाटर कॉजेस सॉइल इरोजन. रनिंग वाटर क्या होता है, सॉइल सॉइल इरोजन का कारण हो सकता है. When rain falls, the running water carries topsoil with it. जब बरसात होती है, तेज बरसात होती है, तो क्या होता है, रनिंग वाटर से उसकी जो उस वहां के लैंड की टॉप सॉइल भी क्या हो जाती है, कैरिड अवे हो जाती है, उसके साथ ले जाई जाती है. इन हिली एरियाज वाटर फ्लोज एट ए ग्रेट स्पीड डाउन टू हिल्स एंड कैरीज लोड्स ऑफ सॉइल विद इट. जैसे कि हिली एरियाज में बरसात होती है, तो जैसे वाटर फ्लो करता है, तो उसके साथ में जो टॉप सॉइल की जो सॉइल है वो क्या होती है, कैरिड अवे हो जाती है, ब्लोन अवे हो जाती है, उनके द्वारा ले जाई जाती है. दिस मेक्स द स्लोप्स अनफिट टू कल्टिवेट. और उससे वो उस जो टॉप है, हिल्स के टॉप्स हैं, वो कल्टिवेट के लिए क्या हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं. इट मीन्स फर्टाइल सॉइल वहाँ से रिमूव हो जाती है ड्यू टू रनिंग ऑफ वाटर. और बची हुई सॉइल क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती है, ह्यूमस नहीं होता है, तो वो क्रॉप कल्टिवेशन के लिए अनफिट हो जाती है. फ्लडेड रिवर्स कैरी अवे टॉप सॉइल. ऐसे ही फ्लडेड रिवर्स भी क्या करती हैं, टॉप सॉइल को कैरिड अवे कर जाती हैं, वो अपने साथ में ले जाती हैं. दैट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी. इन डेजर्ट्स एंड ड्राई लैंड्स विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल कॉजिंग सॉइल इरोजन. आपने देखा होगा लाइक इन डेजर्ट और एंड ड्राई प्लेसेस. डेजर्ट और ड्राई प्लेसेस में क्या होता है, सॉइल वहाँ पे तेज हवा चलती है, और तेज हवा के साथ सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ब्लो आउट किया जाता है. इससे क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. ह्यूमस एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, प्लोइंग ऑफ हिल स्लॉप्स एंड ओवर ग्रेजिंग कॉजेज सॉयल इरोजन. इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं, इसकी वजह से क्या होती है, सॉयल इरोजन होता है. लाइक डिफोरेस्टेशन, प्लांट्स का फॉरेस्ट को काट देना, प्लोइंग ऑफ हिल्स स्लॉप्स, स्लॉप्स को बार बार क्या करना, प्लो करना. These all causes of soil erosion. ये सारी activities क्या है, soil erosion का कारण है. So we should take care about them. We should stop these activities that are cause of soil erosion. Thanks. Have a nice day.